जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ और पांडव जीत गए, तो जब श्री कृष्ण और अर्जुन रथ से उतर रहे थे, तब अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि आप पहले रथ से उतरिए केशव। लेकिन श्री कृष्ण ने अर्जुन को पहले रथ से उतरने को कहा, तो अर्जुन रथ से उतरे, फिर श्री कृष्ण रथ से उतरे और फिर हनुमान जी भी रथ से उतर गए। श्री कृष्ण ने अर्जुन से थोड़ा दूर खड़े होने को कहा, फिर हनुमान जी अंतर ध्यान हो गए और रथ में आग लग गई और रथ धूं धूं करके जलने लगा। तो श्री कृष्ण से जब अर्जुन ने रथ जलने का कारण पूछा, तो श्री कृष्ण ने जवाब में कहा कि हे अर्जुन, ये रथ तो भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कर्ण के दिव्य अस्त्रों के वार से बहुत पहले ही जल गया था और इस रथ को अधिक क्षति कर्ण के बाणों से ही पहुंची है। वो तो रथ पर पताका लिए खुद हनुमान जी विराजमान थे और स्वयं मैं रथ पर बैठा था और ये रथ मेरे संकल्प से चल रहा था। अर्जुन को अंगराज कर्णों को हराने का अहंकार होने लगा था, तो इसी अहंकार को मिटाने के लिए श्री कृष्ण ने अर्जुन को पहले उतरने को कहा और फिर अर्जुन को यह एहसास हुआ कि वह ही सर्वश्रेष्ठ नहीं है और अर्जुन ने कहा, वाह अंगराज वाह।